हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहां काम नहीं करती है? तो आपने सुना होगा कि बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल्स के अंदर, राइट? ब्लैक होल्स के अंदर आइंस्टाइन के सिद्धांत जैसे थप से पड़ जाते हैं और हम प्रवेश करते हैं वो जगह में जो हम इंसानों के लिए एकदम अनजान सी है। आइंस्टाइन का कहना था कि हो सकता है ब्लैक होल्स के अंदर से दूसरे डायमेंशंस यानी आयामों में जाने के पोर्टल्स यानी दरवाजे हो सकते हैं। और हाल ही में ही साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने भी इसी बात पे सहमति बताई थी। तो काफी अजीब जरूर है, राइट? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड डायमेंशंस से भरा हुआ है? और क्या इन डायमेंशंस में ब्रह्मांड के नियम सेम हो सकते हैं या फिर एकदम अलग? यह जानने के लिए हमें विज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल यही चीज डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये विज्ञान का एक ऐसा भाग है जो काफी हद तक आस्था पर आधारित है। इसमें बहुत सी चीजें फिलॉसफी है और हमने अब तक साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स करके टेस्ट नहीं किया है। और टेस्ट क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसे टेस्ट करना बहुत मुश्किल है और ये आप आगे खुद ही जान जाएंगे। तो हम सब यह चीज पे सहमति रख सकते हैं कि हमारे ग्रह और सूर्यमंडल के बाहर ब्रह्मांड में और कई अनगिनत चीजें हैं। इन्फ्लेशन थियरी के कैलकुलेशंस ये बताते हैं कि ब्रह्मांड लिटरली अनंत हो सकता है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और इसी कैलकुलेशंस पे आधारित है दी मल्टीवर्स थियरी, जो पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बताता है। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्सेस का मतलब हमारे ही ब्रह्मांड की तरह और कई ब्रह्मांड है जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि या तो वो हमसे बहुत दूर है या तो दूसरे डायमेंशंस यानी आयामों में है जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती। मल्टीवर्स थियरी के हिसाब से क्योंकि अनगिनत दूसरे और ब्रह्मांड है तो हर संभव घटना का हो पाना किसी न किसी ब्रह्मांड में बिल्कुल पॉसिबल है। बस सिर्फ हम उन सारी घटनाओं को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हमारे टाइमलाइन में इकलौते होंगे। तो मल्टीवर्स थियरी के हिसाब से चार टाइप के पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं और मैं कोशिश करूंगा इन्हें आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की ताकि हमें इस विषय में और नई जानकारी मिल सके। तो पहले किस्म का यूनिवर्स है जिसे कहते हैं टाइप वन यूनिवर्स या एक्सटेंशन यूनिवर्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। थियरी के हिसाब से स्पेस अनंत है और हमेशा अनंत ही रहेगा, लेकिन इस स्पेस में अनगिनत ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस है जो लाइट के स्पीड की सीमा के वजह से बंधे हुए हैं। अब क्योंकि स्पेस की खुद की कोई सीमा नहीं है तो पैरेलल यूनिवर्स के ये थियरी के वजह से एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कई एग्जैक्ट कॉपीज हो सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में हमारे सूर्यमंडल की तरह एक एग्जैक्ट सूर्यमंडल का कॉपी हो सकता है जहां हमारे भी एग्जैक्ट सेम कॉपीज हो, क्योंकि भूलिए मत गिनती में अनंत गिनती हमेशा किसी निश्चित अंक से ज्यादा ही होगी। तो इसीलिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारे एग्जैक्ट कॉपीज इस विशाल से स्पेस में कहीं ना कहीं जरूर है। पर सवाल ये आता है कि कहां? वेल, साइंटिस्ट द्वारा कैलकुलेशंस बताते हैं कि ये हमसे काफी दूर होंगे, और काफी ज्यादा से मेरा मतलब है हद से ज्यादा दूर। गिनती में ये होंगे एक गूगल प्लेक्स यार्ड दूर। एक गूगल का मतलब एक के आगे 100 जीरोस होता है और एक गूगल प्लेक्स का मतलब एक के आगे गूगल जीरोस होता है, जो कुछ इस तरह दिखेगा। देखकर ही चक्कर आ जाता है, राइट? पर हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि उन सब को ध्यान में रखते हुए आंकड़े कुछ ऐसे ही आएंगे। यह कह पाने के लिए कि स्पेस अनंत है, हमें यह प्रूफ करना होगा कि स्पेस फ्लैट यानी चपटा है, क्योंकि अगर वो कर्व्ड होगा तो मैटर की ग्रेविटी उसे भी बेंड कर देगी और वो गोल हो जाएगा जिससे वो अनंत नहीं रह पाएगा। यही चीज को टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने स्पेस के एक बड़े से हिस्से में पृथ्वी से लेजर बीम चमकाए। अगर ब्रह्मांड कर्व्ड है तो इस ट्रायंगल के एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए, और अगर ब्रह्मांड फ्लैट है तो एग्जैक्टली 180 डिग्रीज होना चाहिए। रिसर्च के बाद पता चला कि एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्रीज बना, यानी ब्रह्मांड बिल्कुल फ्लैट निकला। लेकिन फिर भी ये एक थियरी थी। अब बात करते हैं टाइप टू यूनिवर्स की, जिसे कहते हैं बबल यूनिवर्स या फिर बेबी ब्लैक होल यूनिवर्स। ये आइडिया बनाया गया था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे ब्रह्मांड में ही क्यों कुछ ऐसे फिजिक्स के नियम हैं जो स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स का बनना इतना आसान कर देते हैं। ऐसे भी और यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां फिजिक्स के लॉज बिल्कुल ही अलग है और इस वजह से वहां जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। तो ब्रह्मांड के इस मॉडल में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सा बुलबुला है और ऐसे बहुत से और बुलबुले हो सकते हैं जो
दूसरे ब्रह्मांड हैं और ये सब मिलके एक विशाल सी नदी में तैर रहे हैं जिसे कहा जाता है हाइपर स्पेस। ये बुलबुले काफी स्पेशल है, ये आपस में टकरा के एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं या फिर स्प्लिट यानी विभाजित हो सकते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं बबल न्यूक्लिएशन। ध्यान से देखिए इसे, क्या ये बिग बैंग की तरह नहीं लगता? वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर दो बुलबुले ब्रह्मांड आपस में सिर्फ छू भी सके तो ऊर्जा इतनी होगी कि वो सारे मैटर को दूर फेंक देंगे, और इसीलिए वैज्ञानिक सोचते हैं कि ब्रह्मांड का यह इलाका इस बात का प्रमाण हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड ने हमारे ब्रह्मांड को छू लिया था और इसीलिए यहाँ कोई गैलेक्सीज या सितारे नहीं है। ब्रह्मांड का यह इलाका दूसरे इलाकों से काफी ठंडा भी है क्योंकि यहाँ ऊर्जा बहुत कम है। तो इस पे अब तक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और इसे साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रूव हो सका तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुलबुले आते कहाँ से हैं? तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा टाइप 3 यूनिवर्स के बारे में जानना होगा। टाइप 3 यूनिवर्स थियरी टाइप 2 पैरेलल यूनिवर्स से काफी रिलेटेड है पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइप 3 यूनिवर्स को सुपरचार्ज्ड मेम्ब्रेन यूनिवर्स भी कहा जाता है और ये निकला है एम थियरी से, जहाँ एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ये पूरी थियरी आधारित है स्ट्रिंग थियरी पे, जो बेसिकली यह बताती है कि ब्रह्मांड में एकदम छोटे लेवल पे पार्टिकल्स सॉलिड डॉट नहीं बल्कि वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये थियरी यह भी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा चपटे आकार का एक टुकड़ा है जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेन, और ऐसे ही कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास है, जैसे न्यूज़पेपर के पेजेस एक दूसरे के आसपास होते हैं पर हर नए पेज में नई चीजें होती है। वैसे ही ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के पास है और भयंकर ऊर्जा से वाइब्रेट हो रहे हैं। थियरी के हिसाब से ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं कुछ स्पेशल डायमेंशंस के थ्रू, जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। कुल मिलाकर 11 डायमेंशंस हैं, जिनमें से 6 या 7 बिल्कुल हमारे आंखों के सामने ही हो सकते हैं पर हम कभी उन्हें देख नहीं पाएंगे। ऐसे स्ट्रिंग्स दूसरे डायमेंशंस में भी हो सकते हैं और उनके वाइब्रेशन से इस ब्रह्मांड के वाइब्रेशन का भी संबंध हो सकता है। ये वाइब्रेट करते हुए मेम्ब्रेन्स कुछ कुछ समय में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और तब होते हैं दी बिग बैंग्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसे नए ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं और ये ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह भी हो सकते हैं, जैसे हमने टाइप 2 यूनिवर्स में डिस्कस किया था। लेकिन पिछले थियरीज के तरह हम इसे भी एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं कर पाए हैं। अब जो आखिरी किस्म के पैरेलल यूनिवर्स की बात करेंगे वो है टाइप 4 यूनिवर्स, जो निकला है क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ाई होती है और वैज्ञानिकों ने पाया है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं, मतलब वो एक जगह होंगे और गायब हो जाएंगे और फिर किसी भी दूसरे जगह प्रकट हो जाएंगे। यहाँ तक पार्टिकल्स एक टाइम पे दो जगह भी हो सकते हैं, तो ये बताता है कि हो सकता है वो दूसरे छोटे डायमेंशन से इंटरैक्ट कर पा रहे हो और इसीलिए ये सब मुमकिन हो पा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के हिसाब से ब्रह्मांड में हर संभव घटना कहीं ना कहीं घटके ही रहेगी, मतलब हमारे ब्रह्मांड में स्पेस के एक हिस्से में अनगिनत डायमेंशंस है और हर डायमेंशन में हर संभव घटना घट रही है। सुनकर काफी अजीब लगता है राइट? पर डरिए मत, इसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत अभी तक हमारे पास नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि फिजिक्स विज्ञान है और फिलॉसफी नहीं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम वैसे थियरीज बना सके जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साइंटिफिकली टेस्ट किया जा सके, और तब तक हमारी खोज जारी रहेगी। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इसे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स की थियरीज वास्तविक सच्चाई हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।